नमस्कार दोस्तों, संजू श्रीवास्तव टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, ये 3 स्पीड कूलर का मोटर है जिसमें 4 वायर निकला हुआ है, जिसमें एक ब्लू है और एक ब्लैक है, एक रेड है और एक वाइट है। ये चारों वायर में जो ब्लू वाला वायर कॉमन है, इसमें डायरेक्ट मेन वायर जोड़ा जाएगा। और तीनों ब्लैक और रेड वाइट, ये तीनों स्पीड का वायर है। ब्लैक वायर हाई स्पीड का है, रेड वायर लो स्पीड का है, ये वाइट वाला मीडियम स्पीड का है। चलिए इसका कनेक्शन करते हैं रोटरी स्विच के साथ। देखिए, रोटरी स्विच में 4 टर्मिनल दिया हुआ तार जोड़ने के लिए, जिसमें एक टर्मिनल पर यल लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा कट दिया हुआ है। यल पर फेस में लीड का फेस का वायर जोड़ा जाएगा, उसके बाद 1 नंबर पर हाई स्पीड का वायर जोड़ा जाएगा ब्लैक वाला, उसके बाद 2 नंबर पर जोड़ा जाएगा मीडियम का, 3 नंबर पर जोड़ा जाएगा लो का वायर। चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले देखिए, मेन लीड का वायर है, सबसे पहले न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ये ब्लू वाला वायर है, इसमें न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट जोड़ लेंगे, इसको टेपिंग कर लेंगे अच्छा से। उसके बाद ये मेन लीड का फेस का वायर है, इस स्विच के यल लिखा हुआ है, यल पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे। अब बच गया 3 पॉइंट। इस मोटर में भी 3 स्पीड का वायर बचा हुआ है, एक रेड है, ब्लैक है, वाइट है। तो इसमें ब्लैक वाला वायर हाई स्पीड का है, इसमें 1 नंबर पर इसको जोड़ेंगे हाई स्पीड। 1 नंबर देखिए ये है, इसमें जोड़ देंगे। और रेड वाला 2 नंबर पर जोड़ेंगे। नंबर जोड़ गया, और व्हाइट वाला वायर 3 नंबर पर जोड़ेंगे। चलिए इसका कनेक्शन हो गया, अब इसको चालू करके करंट देके चेक करते हैं। इसमें रोटरी नोब लगा लेते हैं टेस्ट करने के लिए, अब इसको चेक करेंगे, उसमें लाइट देंगे करंट 220 वोल्ट। देखिए चल रहा है, लो पर चल रहा है, टेप मार लगा दिए हैं देखने के लिए, दिखाई दे रहा है। ये मीडियम पर चल रहा है, अब इसके बाद हाई पर चलेगा तेज में। देखिए हाई स्पीड में चल रहा है, बंद हो गया मीडियम में, हाई में चल रहा है। इस तरह कनेक्शन होता है। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।